तो साथियों अभी आपको दिखा रहे हैं यह महिगा पर्यटक राणा पुंजा महापुरुष पुंजा भील का मेला है और आज द्वितीय दिन यह मेला है और इस मेले का जो पूरा दृश्य है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरफ लगा हुआ बाइक का पार्किंग और इसी के साथ में मेले का जो पूरा मेला करीब 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और अरावली को बीचों बीच यह मेला लग रहा है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ से पूरा मेले का एक दृश्य। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और देख सकते हो आप बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे दुकानें वगैरह भी लगती हैं इस मेले में। और महापुरुष पुंजा भील का यह बहुत बड़ा मेला लगता है आदिवासियों का। भील समुदाय के लोग यहाँ पे बहुत तादाद में रहते हैं और अब यहाँ से कल हल्दीघाटी में मेले का उद्घाटन है। यहाँ से आदिवासी भाई रज कलश लेकर हल्दीघाटी जाएंगे और यह पूरा दिखा रहे हैं आपको मचिंद का राणा पुंजा मेगा पर्यटक का मेले का दृश्य। आज सेकंड दिन है, सब मेला देखकर घर की तरफ लौट रहे हैं और अभी यहाँ पे होगा, बारिश का मौसम है इसकी वजह से सभी घर की तरफ जा रहे हैं और अभी होगा यहाँ पे समापन कार्यक्रम का आपको पूरा लाइव दिखाया जाएगा। तब तक हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अभी जो दुकानें स्टॉल लगे हुए उनसे भी बात करके आपको बताते। भाई साहब नमस्कार, कहाँ से बता रहे हो? नादवारा से आपने स्टॉल लगाए हैं? कब लगाया था? कल। अच्छा अच्छा, कैसा लगा यह मेला आपको? बहुत बढ़िया। दूसरे जो मेले हैं आप जो लोग जो करते हो, इस मेले में क्या खासियत है, क्या बढ़िया लगा इस मेले में? सब बढ़िया ही है, खाना वाना वगैरह यहाँ पे फ्री में खाना भी मिलता है दोनों टाइम का, शाम का रात का भजन संध्या प्रोग्राम वगैरह भी हुआ था, बढ़िया हुआ था। और कमाई वगैरह भी बढ़िया हुई कि नहीं? जोरदार कमाई, जोर शोर से, मतलब भाई जी बोल रहे हैं कि इनका बैग भर गया है, एक बैग रुपया भरने के लिए और चाहिए, और बड़ा हो गया, बारिश में निकल के चले जाएगा। बारिश आ रही है तो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हुए सभी, देख सकते हो बड़ी फ्रेम की दुकान भी यहाँ पे लगी हुई है जहाँ महाराणा प्रताप से लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, चंद्या मामा और भीलू राणा पुंजा भील का भी फ्रेम लगा हुआ है। तो ऐसा मैंने पहली बार देखा है मेले में कि पुंजा भील और बिरसा मुंडा चंद्या मामा का भी फिल्म लगाएगा। हमारे आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले चंद्या मामा भील, बिरसा मुंडा, पुंजा भील के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर, इसी के साथ महाकाल जो आदिवासियों के आदिदेव महादेव जो परमपिता परमेश्वर कहलाते हैं, उनकी भी फ्रेम यहाँ लगी हुई है। इसके साथ दिखाते हैं आपको पूरे मेले का आगे का दृश्य। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके क्षेत्र में कौन सा मेला फेमस है जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, कर दो ना YouTube चैनल को सब्सक्राइब, 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। भैया आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से। पहली बार आए हैं? तो कल हल्दीघाटी भी जाएंगे। ये मेला कैसा लगा आपको बताओ? मजा नहीं आया? पहली बार आए हैं भैया, कपड़े की दुकान लगी है, मजा नहीं आया बता रहे हैं, लेकिन हल्दीघाटी मजा आएगा बॉस, 3 दिन का मेला जरूर आएगा ना। जय हो जय हो जय। तरह तरह के फिल्में आ गए भाई साहब। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? बरवाड़ा से हैं भाई, बरवाड़ा से आए। वाह, पहली बार फास्ट फूड का ठेला लगाया है, कैसा लग रहा है मेला, कैसा लगा, कमाई वमाई हुई कि नहीं हुई? भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं YouTube चैनल प्रकाश आदिवासी देख रहे हैं। भैया ने तलवार का भी स्टोर लगाया है, दुकान लगे। भैया तलवार कितने का है? तलवार भैया अलग अलग रेट है, दो तलवार लेनी है तो कितना लगेगा? दो तलवार लेनी है तो 1100 रुपये लग जाएगा। 1100? दिखा ना खोल के। अच्छा, मैं आप हल्दीघाटी मेले में आएंगे क्या? हल्दीघाटी मेले मेरे को लेना है, मैं लेऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। ठीक है भैया, पहली बार आए भैया?
हर साल आते हो? हर साल से इस साल में मेले में क्या कुछ नया अच्छा लगा आपको? मेला फेल हो गया है इस बार मेला फेल हुआ, पब्लिक कम आया। हाँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस बार क्या वो बजट का इशू बता रहे हैं, बजट नहीं मिला है इसको लेकर मेले का मज़ा नहीं आया? अच्छा किराया तो यहाँ लगता ही नहीं है भैया। अच्छा हाँ, आने जाने का किराया खमनौर जरूर मज़ा आएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए और बड़ों के मनोरंजन के लिए यहाँ झूले भी लगते हैं, देख सकते हो आप अजगर का यहाँ छोटा सा झूला यहाँ लगाया गया है। झूले के नाम पे दो छोटे झूले ही यहाँ पे लगाए गए हैं और जगह की कमी के कारण यहाँ पे झूले नहीं लग पाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो। जोहार जोहार जोहार। मुख्य प्रॉपर यह स्थल है जहाँ मेगा पर्यटक स्थल पहुँच गए हैं, मेन गेट आप सामने लगा हुआ है बच्चों के। फोटो के लिए फोटो स्टूडियो भी यहाँ पे लगाया गया है मेलार्थियों के लिए। ऊपर जो ये स्थान है मच्छेंद्रनाथ धूनी जाता है और इसके अंदर ये मेन गेट है अपने पुंजा भील मेगा पर्यटक का मेन एंट्री गेट है। ये कुछ युवा घूम रहे हैं मेले में, इनसे पूछते हैं मेला कैसा लगा और कहाँ से आए हो मेला देखने। मुंह में थूस रखा है गुटका, इसके लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। मेला साथियों, मेले की लास्ट प्रतियोगिता पहाड़ चढ़ाई खत्म हो चुकी है और हम लेट पहुंचे थे और यह बहुत ही आकर्षक पहाड़ चढ़ाई होती है आदिवासियों की, दुनिया का सबसे खतरनाक गेम्स माना जाता है। और अभी दिखाते हैं आपको मेले का पूरा दृश्य दिखाते हैं। पहाड़ चढ़ाई में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है वो आपको दिखाते हैं जल्दी ही। साथियों बहुत लेट आए थे, यहाँ पे पहाड़ चढ़ाई होती है जो आपको दिखा रहे हैं मेगा पर्यटक स्थल पुंजा भील से आपको यह वीडियो मेला का दृश्य दिखा रहे हैं। यह विहंगम दृश्य मेले का सेकंड दिन है और अभी होने जा रहा है यहाँ पे समापन समारोह। सेकंड दिन का यह मेला समापन समारोह में मुख्य अतिथि अभी पधारने वाले हैं, इसी के साथ में स्टार्ट हो गया है भोजन और यहाँ पे सभी लोग भोजन करेंगे, उसके बाद होगा शायद समापन समारोह। जय हो जय हो। तो साथियों यहाँ पे मिलते हैं बाहर से जो टीमें आती है, राजसमंद जिले के बाहर से कुछ जो टीमें आती है इनाम के लिए, अब सभी बैठे हुए हैं। अभी होगा समापन समारोह, समापन समारोह का आपको दिखा रहे हैं। आपका कौन सा टीम है? मानपुरा। किस नाम से टीम थी? पिंक पैंथर। अच्छा अच्छा, क्या कबड्डी वॉलीबॉल? कबड्डी की। कौन सा स्थान रहा? सेकंड स्थान रहे हैं। फर्स्ट कौन किसका है? रेल मंगरा शिवपुरा आया। अच्छा, मेले में हर साल आते हो? हर साल आते हैं। इस बार और हर साल के मेले में क्या अंतर देखा आपने? इस बार थोड़ी कमी नजर आई। कमी किस चीज़ की थी? कमी है टी-शर्ट और खाने पीने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था नहीं थी। खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। अच्छा, टी-शर्ट नहीं मिला है? टी-शर्ट नहीं मिला। अच्छा, और बाकी? बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। चलो हल्दी घाटी भी आएंगे? बिल्कुल, हल्दी घाटी भी आना, वेलकम आपका। मिलते हैं वापस हल्दी घाटी में। आऊँ मैं एक मिनट। समापन समारोह कार्यक्रम होने वाला है और इसी के साथ दिखाते हैं आपको महापुरुष पुंजा भील की प्रतिमा, महाराणा प्रताप और भामाशाह की आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ
समापन समारोह की तैयारी होते हुए सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने जिन्होंने बाजी मारी है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, उनके लिए इनाम इसके पास ही यह बना हुआ है, अमर सिंह जन्म स्थल। वैसे तो यह जैन मंदिर है, इसी के साथ में यह अमर सिंह जन्म स्थल इस पहाड़ी के उस तरफ माना जाता है जहाँ पे जलमा पूजन किया हुआ स्वास्तिक बना हुआ है। अभी बहुत ही सुंदर अरावली की पहाड़ियों में यह जो मेला लगता है, अरावली पहाड़ियों की तलाटी में यह मेला मचिन का मेला लगता है। सेकंड दिन का यह मेला है जो आपको लाइव दिखा रहे हैं। अभी वीडियो को समाप्त करते हैं, दिखाते हैं आपको उद्घाटन का। कुछ वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे, कुछ खेल का वीडियो भी आपको मिलेगा इस चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। स्टार्ट हो गया है, सभी मेला में आने वाले सभी 36 कौम के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इस मेले में रहती है। दो दिवसीय शाम का भोजन यहाँ पर मिलता है और अभी आज शाम का ये भोजन करते हुए मेलार्थी आप देख सकते हो।